स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेंद्र सिंह चड्ढा एवं बलकार सिंह से, जो कि पाकिस्तान में जन्मे। जब भारत का विभाजन हुआ, देश के टुकड़े हुए, तब इनकी आयु 12 वर्ष की थी। काफ़ी ट्रेजिडी थी उस वक्त और काफ़ी दुख कष्ट इन्होंने झेले। सुरेंद्र सिंह चड्ढा ने उन दंगों में अपनी माता और अपने भाई को खोया था। बलकार सिंह का परिवार भी काफ़ी संपन्न था, लेकिन सब कुछ गंवा कर खाली हाथ वे भारत की तरफ लौटे। काफ़ी मुश्किल हालातों का इन दोनों परिवारों ने सामना किया। 1947 के दंगों में इन दोनों के साथ क्या कुछ घटित हुआ, आइए इन दोनों से बात करते हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलकार सिंह जी। इस वक्त 82 वर्ष की उम्र है, 12 वर्ष की आयु बता रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ था, और विभाजन को इन्होंने भी अपने आंखों से देखा। 87 वर्ष की इनकी उम्र है, तो बलकार सिंह जी से बात करेंगे। बलकार सिंह जी, अपने जिले का नाम, अपने पिंड का नाम दसो। जिला सियालकोट, पिंड सहोरा, तहसील डसका। अच्छा जी, तो क्या कारोबार था वहाँ पे आपका? साडा खेती का काम सी जी। अच्छा, खूहां दे उत्ते साडे डंगर खूहां दे रहंदे हन। अच्छा, ते उत्थे काम करदे हन साडे बुजुर्ग। ते जदों हंदू करा मचिया, ओ डंगर साडे खोल के लै गए मजा घोड़िया। सानू पिंड अंदरों डकिया गया, सानू बाहर नहीं निकलन दिया। अच्छा, सानू फिर मिलिट्री ने कढ़िया। मिलिट्री ने एक नहर दी पटड़ी दे उत्ते कंप लाया। कंप लाया उत्थे काफ़ी पिंड इकट्ठे करते। तो मिलिट्री का पहरा सी, मिलिट्री का पहरा सी, तो उत्थे सानू अबाले छोले लप लप मिलन। पानी नहर सी, नहर का पानी पीना पिया, गर्मी बड़ी पैंदी सी। बुधार उत्थों एक मील से रेल की पटड़ी सी, नहर की पटड़ी के नाल अगे उत्थों रेल की गड्डी सी। एक किलो एक मील से उत्ते वो सी नहर जो गड्डी सी, रेल गड्डी का सी। वो 12-1 बजे ने कह लगे जाओ इस उपर चढ़ जाओ सारे जने। वो नहर की पटड़ी 6-7 फुट सी, दुनिया का की पता किन्नी कु सी। बहुत दुनिया गिरी गटरी बुराल मंदा हाल होया। फिर उतों चढ़े, कोई चढ़ गए कोई रह गए। वो उतों कोई रात 10 बजे ने गड्डी चली हुई, वो आके सियालकोट रोकती। सियालकोट रुकी रही, बस बूए बंद, पानी पीन नहीं, अंदर काफ़ी डब्बिया के बच्चे सह ना निकले, पैड़ा हाल मंदिर वाले। फिर असी उतों गड्डी चली तो लाहौर रुक गई। लाहौर काफ़ी टाइम कह लगे इतना से गड्डी कतल होएगी, ये मारी जाएगी। चलो जो होएगा कुछ ही, पर खैर परमात्मा का शुक्र है उतों गड्डी चल गई। सानू डेरे बाबे नानक तारे, डेरे बाबे नानक सानू तारिया गया। उतों एक स्कूल सी, असी उत्थे स्कूल दे विच 2 दिन रहे, मंग के रोटियां खादिया, मंग के रोटियां खादिया। हाँ, फिर सानू दसुवे मकेरियां भेजा गया, उतों कच्चियां छलियां तोड़ के हत्थां नाल दाने ला गए। माँ सानू कुंगड़ियां खवाइयां, पैड़े आल आटा मंग के खाड़ा, रोटी मंग के खाड़ी। साढ़े ना बड़ी पुड़ी आ दी, साडा बाग सी 1.5 किला मठिया का, निम्बा का। सानू साड़ी दो उदों 12-14 हज़ार की बार विकती सी, सानू कुछ नहीं मिलया। अभी बर्बाद हो गए, कुछ नहीं मिले। तो यहाँ लाहौर कैसे आए? लाहौर फिर हम लाहौर थोड़ी बहुत जमीन हो पटियाले जिले में पहल तहसील दे विच, असी फिर वो बेच दी। उतों बेच एक थोड़ी जी इत उत्ते गुजारा कर रहे हैं, दो तीन ले लें उसे गुजारा कर रहे। मेहनत बहुत की आके, हाँ मेहनत। लाहौर से पिंड का क्या नाम था आपके वहाँ पे? सौवाला। सौवाला। उसके आसपास कौन कौन से पिंड थे? उसके आसपास एक तो सी मानपुर, गाजीपुर, एक बद्दों के, रुड़ियों के, आदम के, राजे कमान, एक राजे कमान सी, एक सी भपाल वाला तहसील दसका सी, होर कोई पिंड गंजिया वाला, एक दुलकी के, इन पिंड गाजीपुर मानपुर। रास्ते तो सारे याद होंगे अभी भी आपको? हैं, अभी रास्ते तो याद होंगे वहाँ गाँव के कि नहीं जी? हाँ, वो जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जगह सारी नज़र आती है। पिंड भी याद है? हाँ, पिंड भी याद है।
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਮਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਦ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀਏ ਉਹ ਵੀ ਲੂ ਕੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਦ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਾ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਰਾਜੇ ਤੇ ਯਹਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ अब आइए आपको मिलवाते हैं सुरेंद्र सिंह चड्डा जी जो विभाजन के समय 12 वर्ष की आयु थी और लालपुर जिले के सांगला हिल गांव में आप रहते थे और 12 साल की उम्र आपकी थी। हाँ जी तो क्या किस प्रकार से क्या मंजर हुआ उस टाइम? हाँ जी उस टाइम में सबसे पहले तो मुसलमानों ने एका करके आपस में हमारा जो सा मकान था उसके सामने एक तेली रहता था मुसलमान तेली उसके परिवार में हम हिंदू सिख थोड़ी आबादी थी जो उनसी आबादी वाले वो गुरुद्वारे में चले गए उनका तो इतना नुकसान नहीं होया वो तेली था मुसलमान उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया मुसलमान बर्छे लेकर आ गए बर्छे से उन्होंने हमला कर दिया मेरी माँ और मेरा भाई गुजर गए वहीं अल्ले में। अच्छा जी 1947 में वो गुजर गए हम जी जी फिर आप कैसे आए फिर भारत के अंदर इंडिया फिर सिख रेजिमेंट गई जी वो ले आई फिर अच्छा यानी कि ज़्यादा आबादी तो जो सी थी वो गुरुद्वारे में चली गई थोड़ी आबादी थी जो सी हिंदू सिख वो तेली जी घर तेली था मुसलमान उसने अंदर से कुंडी खोल दी मुसलमान आगे बरछे लेकर मेरी माँ मेरा भाई वहीं गुजर गया। अच्छा हमारे पिताजी और हम बच गए पीछे छुप गए थे हम बच गए। फिर कैसे आए इंडिया कैसे आए जी आप? इंडिया वाले फिर गए थे लेन सिख रेजिमेंट थी वो गई लेन फिर वहाँ से हमारे 15-20 किलो चूर पाना था वहाँ हमारी बहन रहती थी वहाँ हमले नहीं हुए 15-16 किलोमीटर में हमारा सांगला हिल में बहुत हमले हुए। फिर कैसे मतलब ट्रेन के द्वारा आए? हाँ जी अब नहीं फिर इनके ट्रक गए थे हिंदुस्तान वाले आगे वो ट्रक में आए फिर अमृतसर आए। तो रास्ते में तो नहीं कोई दिक्कत आई? रास्ते में दिक्कत नहीं आई। तो एकदम माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था जब आज़ाद हो गया देश? बड़ा भारी माहौल ख़राब था जी उस टाइम मुसलमान तो देखना नहीं चाहते थे सिख को बर्छे से मारते थे बहुत लोगों ने जान भी बचाई फिर बस जी परमात्मा ही है जान बचाने वाला हमारी माँ और भाई वहीं गुजर गए थे उनका संस्कार होया फिर इकट्ठे लाशा थी जो सी 15-20 साल इकट्ठे करके संस्कार होया। तो क्या कारोबार था अपना वहाँ पे? दुकान थी आर्त थी सब कुछ छोड़ के फिर तोड़े बस आर्त थी बनोलों की दुकान थी वो लोग नमूना देखते थे बोरी बोरी उठाते थे वहाँ रजवाड़ा था हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले एक एक बोरी नमूना देखते थे नमूना देख के एक बोरी जो उठवा दो एक बोरी उठवा दो। फिर सडोरा कैसे पहुँचे जी? पहले अमृतसर आए अमृतसर से मामा था हमारा ज्ञानी लाभ सिंह वो मंगवालिए बोलते थे वो भाई तुम्हारे छडोरा लाट होया सारे अमृतसर से छडोरे आए थे। कौन कौन थे आपके साथ? हमारे पिताजी थे भाई थे
माँ तो गुजर गई थी 1947 में। तो यहाँ पर क्या कारोबार किया फिर आपने आते हैं? रहने का। रहने का। तो बहुत मेहनत करी आपने। बड़ी मेहनत कर दिया अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मतलब विभाजन में। बड़ी भारी 1947 में तो बड़ी भारी ट्रेजेडी हुई।